नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो गया है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 49वीं बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम आज के मन की बात कार्यक्रम में सीबीआई विवाद को लेकर भी बात कर सकते हैं। और सुबह की अगली खबर पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम जापान में एक वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच ये 12वीं मुलाकात होगी। और सुबह की अगली खबर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर आ रही है, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज कतर की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान वह कुवैत की यात्रा पर भी जाएंगी। आपको बता दें कि कतर एक ऐसा देश है जो भारत की ऊर्जा खपत को पूरा करने में एक अहम भागीदार रहा है। वह बीते कई सालों से भारत को सबसे ज्यादा मात्रा में LNG निर्यात कर रहा है। और सुबह की अगली खबर हरियाणा से आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश में अपनी चुनावी रैली का आगाज करनाल में प्रदेश स्तरीय रैली से करने जा रही है। इस दौरान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बता दें कि भाजपा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगी हुई है। और सुबह की अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जयपुर से अपना चुनावी बिगुल फूकेंगे। इस दौरान केजरीवाल जयपुर में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। और सुबह की अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में आज होने जा रहे टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की 230 विधानसभाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और सुबह की अगली खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हनुमान बेनीवाल आज जयपुर में हुंकार भरेंगे। इस दौरान वह रोड शो निकालेंगे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के चुनावी कार्यक्रम ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। और सुबह की अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के मधेपुरा स्थित सिंहेश्वर में JDU की ओर से प्रमंडलीय दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए यह सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां प्रदेश भर में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसका परिणाम 20 नवंबर को जारी होगा। और सुबह की अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है, जहां रीवा में प्रोडक्ट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आज राज्य स्तरीय शैक्षिक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की समस्या पर चर्चा की जाएगी। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से हमारे संवाददाता मुखबिर यादव बता रहे हैं कि बदायूं के रसूलपुर में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। इस भीषण आग में 8 लोग काल के ग्रास बन गए हैं। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता दिनेश सोमवंशी बता रहे हैं कि पूर्व सांसद जीती प्रसाद के नेतृत्व में मोहम्मदी से फसल मुआवजा क्रांति रैली का आयोजन किया गया। और सुबह की अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि बकाया पेमेंट के लिए पिछले 2 महीने से संघर्षरत PHE कर्मचारियों के साथ सरकार ने 3 साल के बजाय 1 महीने का पेमेंट देकर भद्दा मजाक किया है। आपको बता दें कि PHE विभाग में कार्यरत 29,000 अस्थायी कर्मियों का 3 साल का वेतन बकाया था। और सुबह की अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रुद्रपुर में BSc के छात्रों द्वारा MSc की छात्रा से जबरन संबंध बनाने और उसको घर से उठा ले जाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी छात्र पहले पीड़िता से ट्यूशन पढ़ता था। और सुबह की अगली खबर झारखंड से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रांची में नक्सलियों द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास व वरिष्ठ पुलिस अफसरों को धमकी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है, साथ ही CM की सुरक्षा में अतिरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।